हे गाइस, पेडलो यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपके जो पैरेट्स हैं वो भी एकदम अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो गाइस, बहुत टाइम से हमारी ये जो बलीज पैरेट्स की एवरी है ना, इसके अंदर काफ़ी प्यारे प्यारे यार मैंने फॉन कलर के और वाइट कलर के बेबीज तो निकले ही निकले हैं, बट इसकी जो ब्रीडिंग प्रोग्रेस है ना वो मैंने बहुत टाइम से देखी नहीं है और आपको भी नहीं दिखाई होगी। आप कह रहे थे कि भाई क्या हाल है आपकी एवेरी के, उसमें किस तरह के बेबीज आए या नहीं आए हैं। तो आज जो है ना हम चेक करने वाले हैं अपने बनी पैरेट्स की जो ब्रीडिंग प्रोग्रेस है वो देखेंगे और दिखाएंगे कि भाई कितने बेबीज निकले हैं और बच्चे कितने हैं, कैसे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें। एक एक मट्टी को चेक किया जाएगा और आपको दिखाया जाएगा। मैं भी देखूँगा यार, क्योंकि तकरीबन 10 दिन तो हो ही चुके होंगे, 10-12 दिन मैंने नहीं देखा है और 10-12 दिन आज फिर से हम जा रहे हैं देखने के लिए। एंड अभी मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे कलर आए हैं बच्चों के, एंड और देखेंगे बॉक्स के अंदर क्या है। तो चलिए चलते हैं एवेरी के अंदर और देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो गाइस, फाइनली आपने हमारे बजीज पैरेट्स की जो एवेरी है उसके अंदर जो बर्ड्स हैं, यार बच्चे तो नहीं हैं बट अंडे रखे हुए हैं, अंडे हैं यानी कि जो बेबीज़ हैं वो सब बड़े होकर के बाहर आ गए हैं और नेक्स्ट जो ब्रीड है उसकी जो है ना हमारे पैरेट्स तैयारी कर रहे हैं। आपने हमारे लव बर्ड्स की ब्रीडिंग प्रोग्रेस तो कुछ टाइम पहले देखी ही थी, अभी मैं क्या एवेरी के अंदर कुछ नए बर्ड्स जो है ना लेकर के आने वाला हूँ बहुत जल्दी ही, और एक कॉकटेल की भी एवेरी हम जो है ना सेटअप करने की प्लानिंग कर रहे हैं। सॉरी, एवेरी नहीं करेंगे हम, केजेस ही करेंगे कॉकटेल के, क्योंकि एवेरी में उतना अच्छा रिजल्ट कॉकटेल का नहीं आ रहा है। एंड हमारे बजीज पैरेट्स की जो ब्रीडिंग प्रोग्रेस थी आपने देखी, कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड जुड़े रहे हमारे चैनल से इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय गाइस।